हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट। तो एक हम जो क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा सा स्टडी किया था एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक्स कि व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करते हैं एनवायरनमेंट को, हाउ विल वी डिफाइन द एनवायरनमेंट, कैसे डिफाइन करेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सराउंडिंग होता है जिसमें उसके बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होंगे जिनके साथ में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उस सारे के सारे सराउंडिंग को हम क्या नाम देते हैं, एनवायरनमेंट नाम देते हैं। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अभी एनवायरनमेंट को, इट इज द सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इट इंटरेक्ट विद बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, इन विच इट इंटरेक्ट बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ में इंटरेक्ट करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनवायरमेंट। तो मेनली एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बेटा कैसे हम डिफाइन करेंगे, व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर और वी कैन से इकोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स ये क्या होते हैं। एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट विच कैन इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, विच कैन इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म, या तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे, ऐसा कोई भी कंपोनेंट हम उसको क्या नाम देंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर नाम देंगे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए कौन कौन से होते हैं, एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर एंड बायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोटिक में कौन कौन आते हैं भाई, बायोटिक में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आएंगे बायोटिक में। एबायोटिक में हमारे सनलाइट, एयर, वाटर, सोयल एट्सेट्रा, ये सब इसके फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट हम कह सकते हैं। फिर हमने स्टडी किया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट है यानी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ये क्या हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं भाई। हम डेली के डेली बहुत सारे यूजलेस मटेरियल जिसको डिस्कार्ड करते हैं, जिसको डिस्पोज कर देते हैं हम अपने सराउंडिंग में, वो हमारे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन क्रिएट करता है, और उन डिस्कार्डेबल उन यूजलेस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेस्ट नाम देते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर हर तरीके के पोल्यूशन का एक कारण बनते हैं। दिस वेस्ट कॉज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन भी हम अपने कुछ एक्टिविटी के थ्रू नॉइज पोल्यूशन भी हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या होता है। तो वेस्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, कि यूजलेस एंड डिस्पोजेबल, एंड यूजलेस और डिस्कार्डेड, नॉट डिस्पोजेबल, यूजलेस एंड डिस्कार्डेड सब्सटेंस आर कॉल्ड वेस्ट। ठीक है, जो सब्सटेंस हमें डिस्कार्ड कर दिए गए, जिसको हम डिस्पोज कर देते हैं हमारे सराउंडिंग में, उसको हम वेस्ट कहते हैं। हालांकि मैं आपको इतना करवा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा वेस्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे कौन से आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसा वेस्ट जिसको हम सिंपल एंड हार्मलेस में ब्रोक डाउन कर सकें, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। किसकी हेल्प से, बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर कैरीड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया था, डीकम्पोजिशन। और ऐसे वेस्ट में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। कौन कौन आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, काउडंग, एनिमल का फीकल मैटर, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट के लीफ, प्लांट के फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी डिस्कार्डेड चीज़ें प्लांट से लीफ मैटर लीटर गिरती हैं, वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेपर, वूल, ये सब भी बायोडिग्रेडेबल है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है,
सेकेंड कैटेगरी कौन से बेटे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द वेस्ट विच कैन नॉट बी, द वेस्ट विच कैन नॉट डीकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिमेन्स एज इट इज इन द एनवायरमेंट, एंड देयर रिमेन्स एज इट इज इन द एनवायरमेंट। और जो एनवायरमेंट में एज इट इज पड़े रहे, दे रिमेन सस्टेन पड़े रहे, उसको हम क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जनरली जितने भी मैनमेड सब्सटेंस हैं, मैनमेड सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं? जैसे कि प्लास्टिक्स, ठीक है, जैसे कि ग्लास, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, ग्लास, पॉलीथीन बैग, इसके साथ में दूसरे हार्मफुल केमिकल्स में कौन कौन से आते हैं? हार्मफुल केमिकल्स में जैसे कि डीडीटी, ठीक है, बीएचसी, पीएन, ये सारे के सारे हार्मफुल केमिकल्स भी इसमें आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। इसके साथ में हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं, सिरिंज होती है, वो सब भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बिकॉज हम उनको भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू बायोडिग्रेडेबल। तभी हम क्या कहते हैं कि हम अगर अपना नेचर ही को फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय द बायोडिग्रेडेबल। लाइक हम पॉलीथीन बैग की बजाय हमें पेपर बैग को यूज़ करना चाहिए, हमें जूट के बैग, हमें कपड़े के बने हुए बैग को यूज़ करना चाहिए, ताकि वो डिकम्पोज कर दिए जाएँ बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये हमारे एनवायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। और उनमें से बेटा ये जो केमिकल्स होते हैं ना, दीज आर वेरी हार्मफुल केमिकल्स, ये काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और ये ना तो बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं और ना ही एनवायरनमेंट में ये डिकम्पोज होते हैं। नाइदर दे आर मेटाबोलाइज बाई द ऑर्गेनिजम्स, नो दे आर डिकम्पोज। ना तो हम उनका मेटाबोलाइज कर सकते हैं और ना ही उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे हार्मफुल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में इनका यूज किया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये एक बार ये हार्मफुल केमिकल्स एक बार फूड चेन में एंटर कर जाए, वंस हार्मफुल केमिकल्स एंटर इनटू द फूड चेन, आगे मैं बताऊंगा आपको बेटा फूड चेन क्या होती है, एक बार एक फूड चेन में एंटर कर जाए तो हर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे कि फूड चेन का एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ग्रास होती है, ग्रास के ऊपर फीड करेगा डियर के ऊपर फीड किया लोयन ने, तो इस तरीके से क्या बन गया, एक फूड चेन बन गई, है ना। और ट्रॉफिक लेवल अलग अलग, सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास आई, फिर डियर, फिर उसके ऊपर लोयन। तो ग्रास में मान लो डीडीटी को स्प्रे कर दिया, उसमें एक्यूमुलेट हो गई, वो ग्रास को खा लिया डियर ने, फिर डीडीटी डियर में चली गई, डियर को खा लिया लोयन ने, फिर डीडीटी लोयन में चली गई, और वो मेटाबोलाइज होती नहीं हमारी बॉडी में। तो क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे इन हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो वंस हार्मफुल केमिकल्स एंटर इन टू द फूड चेन, देयर कंसंट्रेशन विल इंक्रीजेस एट ईच नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है, एंड दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है भाई, इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, हालांकि आगे फिर से बता देंगे, बट अभी ये पॉइंट चल रहा था तो हमने बता दिया कि बायोमैग्निफिकेशन है, ये काफ़ी हार्मफुल प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, आगे बताएंगे कि किस किस तरीके से कहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन कितना होता है उसके बारे में। तो अब एक बात बताओ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के क्या क्या हार्मफुल इंपैक्ट हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर सोइल में रहेगा तो एज इट इज पड़ा रहेगा,
वो डिकम्पोज हो नहीं रहा, इसका मतलब वो हमारे सोयल को क्या कर रहा है भाई, हमारी सोयल के फर्टिलिटी को भी वो डिक्रीज कर रहा है, पहले पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अगर हार्मफुल केमिकल और पेस्टिसाइड है वो सोयल में चले गए और सोयल में से सिंक करके पेनिट्रेट करके सीप हो गए नीचे की तरफ, तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देंगे। अगर क्रॉप फील्ड में से वो हमारी क्रॉप के अंदर चले गए हार्मफुल केमिकल्स, तो वहाँ से क्या करेंगे, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। अगर वो हमारे सोयल में एसिडिटीज है, अगर उनको बर्न कर दिया जाता है तो उनसे बहुत हार्मफुल के गैसेज एमिट होती हैं जो हमारा एयर पोल्यूशन भी कॉज करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मैं लिखती हूँ ध्यान से नोट करेंगे। देखो बेटे यहाँ पे मैंने किसके इफेक्ट्स लिखे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि एक बारी क्रॉप में एंटर कर गए और अगर उन क्रॉप को ह्यूमन बींग्स ने या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम कर लिया तो उनके अंदर काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, अगर ये हमारे सोइल के अंदर एसिडिटीज रहते हैं, रिमेन करते हैं, तो सोइल के लिए भी हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ये सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉज बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का मैंने बताया आपको कि हाइपरट्रॉफिक लेवल में इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है। अगर इनकी सिपिंग होनी शुरू हो जाए, अगर ये सोयल के अंदर नीचे की तरफ लीच करने शुरू कर जाए तो वो किसकी कॉन्टामिनेशन कर देते हैं, वो ग्राउंड वाटर को क्या कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे और ग्राउंड वाटर की कॉन्टामिनेशन हो जाएगी। इस तरीके से जो कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर को अगर ह्यूमन बींग्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं तो उनमें बहुत सारी डिजीज होती हैं जो इनका रीजन बनती है। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया जनरल से कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स या एनिमल अपनी एक्टिविटी के थ्रू एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमें अपनी एक्टिविटी में, हमें डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटी में क्या क्या चेंज करना चाहिए इको फ्रेंडली बनने के लिए। तो आपको सबको पता है कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बहुत कम रिलीज करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हमें यूज ही नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पॉलीथीन बैग और इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर, वी शुड यूज पेपर बैग, है ना। या फिर ऐसे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए कि अगर हम वेस्ट रिलीज भी करते हैं तो उसको डिकम्पोज किया जा सके। वैसे भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल के तुम्हारे लिए बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे। मान लो बहुत सारे अमाउंट में काउ डंग इकट्ठा हो गया, ठीक है कि कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज करके सोयल में मिला दिया जाएगा, लेकिन जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, उसमें से फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है जो हमारे सराउंडिंग को क्या करती है, पोल्यूट करती है। नेक्स्ट इज बेटा फिकल मटेरियल, चाहे ह्यूमन का हो चाहे एनिमल का, उसमें काफ़ी सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, काउ डंग और या जो कैटल्स का डंग होता है उसमें मिथेनोजेंस होते हैं जो डिकम्पोजिशन के टाइम पे मीथेन गैस रिलीज करते हैं। और आप सबको पता है कि मीथेन गैस है वो एक टाइप की बहुत हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगी। बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो भी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे आगे वन बाय वन। उससे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा इकोसिस्टम, पहले हम स्टडी करेंगे इकोसिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में पहले सुनेंगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, फिर हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, हमारे नेचर का, हमारे लैंड का कोई भी वो सेल्फ सस्टेन्ड सेगमेंट, एक इतना सेगमेंट जो अपने आप में पूरा है, जिसके अंदर उसके खुद के लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग चीज़ों के साथ में, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, फिजिकल थिंग्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में वो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए और एनर्जी को भी वो ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरीके से सेल्फ सस्टेन्ड सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ नेचर इज नोन एज इकोसिस्टम। जैसे कि मान लो मैं आपको एक पॉन्ड है, पॉन्ड अपने आप में भरपूर है,
उसी में खाना बन जाता है, उसी में उसको यूज कर लिया जाता है, उसी में डिकम्पोज हो जाता है। फॉरेस्ट है वो भी अपने आप एक इकोसिस्टम है। कैसे? फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट हैं, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की तो प्लांट ने प्रोड्यूसर का काम किया। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल हैं, एनिमल ने उस खाने को खाया तो वो कंज्यूमर बन गए। एनिमल्स की डेथ हो गई या प्लांट्स के लीफ व प्लांट्स का लीटर जो भी मटेरियल वेस्ट नीचे गिरा उन सब को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने डिकम्पोज कर दिया। फॉरेस्ट है ऐसा तो नहीं है कि हम फॉरेस्ट में हम पानी देने जाते हैं या फॉरेस्ट को हम कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए जाते हैं। फॉरेस्ट वहाँ पे अपने आप ही अपनी रूट से वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वो सेल्फ सस्टेन सेगमेंट है। फॉरेस्ट हुआ, लेक है, पॉन्ड है, डेजर्ट है, ग्रास लैंड है, ये सब अपने आप में क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम कहलाते हैं, जिनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। उसमें ही सारी एक्टिविटी होती है, फूड को बनाने की, कंज्यूम करने की, डिकम्पोज करने की, ये सारे प्रोसेस। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने इकोसिस्टम को? इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सेल्फ सस्टेन, इट इज द सेल्फ सस्टेन सेगमेंट ऑफ नेचर, सेल्फ सस्टेन सेगमेंट ऑफ नेचर जिसके अंदर इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इंटरेक्ट करें और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड एनर्जी ट्रांसफर, कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं और एक दूसरे से फूड लेती हैं, उस सेल्फ सस्टेन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मैं फिर से बता रही हूँ, जहाँ पे भी आपको सेल्फ सस्टेन सेगमेंट दिख जाए, चाहे एनवायरमेंट का कहीं, चाहे नेचर का कहीं, चाहे लैंड का कहीं, चाहे अर्थ का कहीं, दैट सेल्फ सस्टेन सेगमेंट इज नॉन एज, उसको हम क्या नाम देंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम हो सकता है कि नेचुरल हो, इकोसिस्टम हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया हो। तो हम इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इकोसिस्टम में भी नेचुरल और इकोसिस्टम में भी आर्टिफिशियल या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैन मेड। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम या सेगमेंट ऑफ नेचर विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, जो नेचर में अपने आप बने हैं उनको हम क्या नाम देंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? दे आर सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटेड, दे आर सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट, सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट विच आर फॉर्म्ड बाय देमसेल्फ, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय देमसेल्फ, इनमें देर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, देर विल बी no interference of human, human beings के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उनको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब बेटा नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है कि लैंड पे हो सकता है कि वाटर में हो, तो एक तो होगा टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम और एक आता है एक्वेटिक
इकोसिस्टम, एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो क्या एग्जांपल दूंगी आप, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। ये धरती पे, लैंड पे, अर्थ पे अपने आप बनने वाले इकोसिस्टम है। अगर हम एक्वेटिक की बात करते हैं तो एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, रिवर, हालांकि कुछ लेक मैनमेड भी हैं, बट यहाँ पे आप सिर्फ नेचुरल लेक की बात कर रहे हैं जो अपने आप नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। वही पॉन्ड, वही लेक एंड रिवर, ये सब कैसे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। सेकेंड हमने बताया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए और ह्यूमन बींग्स ही उनको कंट्रोल करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कैसे कहते हैं, द इकोसिस्टम विच आर मेड बाय ह्यूमन एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए जो ह्यूमन ने बनाए उनको हम नाम देंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में लैंड वाले भी हो सकते हैं और वाटर वाले भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम कैन ऑल्सो बी टेरेस्ट्रियल एंड कैन ऑल्सो बी एक्वेटिक। अगर हम टेरेस्ट्रियल देखें तो क्रॉप फील्ड, जिसमें किसान खेती करता है, वो ऐसा तो नहीं है कि एक खेत के अंदर गेहूँ भगवान ने खुद ही उगा दिया, खुद ही उग गए हो, वो हमने बनाए। हो सकता है कि हम उसी फील्ड में इस सीजन में वीट ग्रो कर रखें, नेक्स्ट सीजन में मस्टर्ड कर दें, सिक्स मंथ के बाद हमने उसमें कॉटन ग्रो कर दी, तो मैनमेड बनाया हुआ इकोसिस्टम है ना, और उसको हम ही कंट्रोल करते हैं कब उसमें पानी देना है, कब उसमें से वीडिसाइड यूज करना है, कब उसकी हमने हार्वेस्टिंग करनी है, कब उसमें हमें ग्रोइंग करनी है, ये सारे की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ह्यूमन बींग्स। तो ये आएंगे क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड मैनमेड है। ऐसे हमने आर्टिफिशियल कोई गार्डन बनाया हो जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगाए, टाइम पे उनको पानी देना, टाइम पे उनकी कटिंग करना, ये सब भी ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करें। क्रॉप फील्ड या गार्डन ये लैंड पे बनाए गए है ना, तो ये क्या हुए टेरेस्ट्रियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर एक्वेटिक की बात करते हैं तो मैनमेड पॉन्ड, सारे पॉन्ड ऐसा भी नहीं कि नेचुरली होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी अपने खुद के लिए फिश को कल्चर करने के लिए, सीनरी कल्चर के लिए मैनमेड पॉन्ड बनाते हैं। या फिर एक्वेरियम, एक्वेरियम आप सबने देखा होगा जिसमें ब्यूटीफुल कलर की फिशेज को डाल के रखा जाता है। कुछ एक एक्वेरियम घर में भी रखे जाते हैं, अपने शॉप पे रखे जाते हैं, ये क्या होते हैं सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए एक्वेरियम बनाए जाते हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसको किसने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया। तो ये तो बात है बेटा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। हमने आफ्टर स्टडीइंग द टाइप ऑफ द इकोसिस्टम वी विल स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में मेनली टू कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, दो कंपोनेंट में से कौन कौन से, एक तो होंगे बायोटिक कंपोनेंट और एक होंगे एबायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब हालांकि जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बताए थे, सेम उसी तरीके से इसके भी कंपोनेंट होते हैं कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बायोटिक में आते हैं, सनलाइट, वाटर, एयर, सॉयल, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। लेकिन हमने उन सारे प्लांट एनिमल को उनका क्या इकोलॉजिकल रोल है उस ग्राफ पे कैटेगराइज किया है, तो हम मेनली इसके बायोटिक कंपोनेंट में तीन बताते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट वन आर प्रोड्यूसर्स,
सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स एंड थर्ड आते हैं डीकंपोजर्स। ठीक है, हम एक बार डिकम्पोनेंट को फर्दर टाइम ही रहने देते हैं, उसको बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम प्रोड्यूसर्स के बारे में स्टडी करेंगे, बाय डिकम्पोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में क्या होते हैं, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो वो सब किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। प्रोड्यूसर्स ही इस लैंड के ऊपर होते हैं जो फूड सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं हेटरोट्रॉप्स हैं, वो सारे हेटरोट्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारे हेटरोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, प्रोड्यूसर में दे आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथेसाइज देयर, विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर आर ऑल्सो नोन एज, हम प्रोड्यूसर को क्या नाम देंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स, इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, दे कंज्यूम एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड, बेटे प्रोड्यूसर क्या कंज्यूम करेंगे, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट, इनको यूज करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करेंगे बिकॉज दे कंटेन, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है, आप सब लोगों ने जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में स्टडी किया हुआ है कि क्लोरोफिल के पास पावर होती है सन एनर्जी को कन्वर्ट करने की केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज की जाती है बाय द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सारे ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू होती है, ओनली प्रोड्यूसर का ही ये काम होता है फूड को सिंथेसाइज करने का, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और इनमें न्यूट्रिशन कौन सा होगा, ऑटोट्रॉप्स हैं तो इनमें ऑटोट्रॉफिक कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनका इकोलॉजिकल प्रोड्यूसर का काम है, अगर हम देखें जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एल्गी एंड देर आर सम प्रोटिस्ट, उनका भी यही काम होता है, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों कैटेगरी किसकी बताई मैंने, ये तीनों कैटेगरी प्रोटिस्टा की हैं, ये भी ये अकेले ऐसे एनिमल हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की पावर होती है, अदरवाइज जितने भी प्लांट्स हैं और कुछ जो एल्गी हैं इनमें क्लोरोफिल होने की वजह से ये सारे किसका काम करते हैं भाई, प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। लेकिन ये प्रोड्यूसर भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ना होते और उन्हें फूड ना बना पाए, अगर एनवायरनमेंट में वाटर ना हो, अगर सनलाइट ना हो, तो दैट मीन्स कि दे आल्सो इंटरेक्ट विद द एबायोटिक कंपोनेंट, ये तो हमने बताया था। इकोसिस्टम का मतलब क्या बताया था भाई, उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं ये सब चीज़ें लेने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। ये तो बात थी बेटा हमारे फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट दैट आर प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर में सारे हमारे प्लांट्स हमने स्टडी किए, कुछ एक एनिमल्स जो मैंने आपको बता दिया। अब हम सेकेंड कैटेगरी बढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट की, सेकेंड कैटेगरी के अंदर हमारे क्या आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेटरो
हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं भाई? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना कर सके, दे हैव टू डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करें उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम कंज्यूमर्स नाम देते हैं और वो हेटरोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं ना, वो सारे एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं, उनमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन इनकी भी फर्दर कैटेगरी बनाई गई है। कैसे? इनमें देखो, एक तो आते हैं, अच्छा एक बात और लिखना बेटा प्रोड्यूसर ने, कि प्रोड्यूसर है वो फूड चेन में T1 ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। दे ऑलवेज ऑक्यूपाई द T1 ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। वो फूड चेन में T1 ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, आगे फूड चेन पड़ेगी तब आपको पता चल जाएगा। एनिमल्स भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हर्बीवोरस, ठीक है, दूसरे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। ये हैं सारे के सारे कंज्यूमर्स। तो हर्बीवोरस से कौन से कंज्यूमर आते हैं? हाँ जी, हर्बीवोरस इंक्लूड द कंज्यूमर्स विच डिपेंड ओनली एंड ओनली प्लांट्स एंड देयर मटेरियल। जो प्लांट्स और प्लांट्स के मटेरियल पर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? हर्बीवोरस। तो ये कौन से होते हैं? विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोड्यूसर। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर को खा रहे हैं। किसको खाते हैं बेटा? वो प्लांट्स को एंड प्लांट से बने हुए जो भी मटेरियल होते हैं उनको। इसमें हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं बताएं आप? कुछ एक दो हर्बीवोरस के बारे में सोचें, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि काउ, बेफेलो, डियर, गोट, एलिफेंट, हॉर्स, ये सारे हर्बीवोरस आते हैं। जैसे कि काउ, डियर, गोट, एलिफेंट, हॉर्स एक्सेट्रा, जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करें। कार्निवोरस कौन होते हैं? अच्छा अब ये बताओ, पहले T1 ट्रॉफिक लेवल पे आए प्रोड्यूसर, तो हर्बीवोरस कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आए? T2 ट्रॉफिक लेवल पे। कार्निवोरस कौन होते हैं भाई? कार्निवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन मीट एंड फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम नाम देंगे कार्निवोरस। अब मेरी बात सुने एक बार, देखो कंज्यूमर बताए थे हमने, हम कंज्यूमर स्टडी कर रहे ना भाई, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स को खाए। तो पहला हमने हर्बीवोरस पढ़ा, हर्बीवोरस को हम क्या नाम देते हैं? हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। हर्बीवोरस को हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी कंज्यूमर। और जो कार्निवोरस आए इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन कार्निवोरस में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये इसी में आते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज करो कि भी ग्रास है, ग्रास के ऊपर फीड किया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर के ऊपर फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग पे फीड किया स्नेक ने, और स्नेक पे फीड कर लिया ईगल ने। अब सुने एक बात, यहाँ पे ग्रास तो क्या हुई? प्रोड्यूसर है ना, और ग्रास T1
सेकेंड टॉपिक लेवल पे आई। लेकिन ग्रास को खाने वाला कौन हुआ? हर्बीवोरस। तो ये कौन हुआ? T2 ट्रॉफिक लेवल पे। और हर्बीवोरस को हमने क्या कहा? ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये कौन हुआ? ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहे हैं। फ्रॉग है, ये भी कंज्यूमर ही है लेकिन ये ग्रास ऊपर को खा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ये कार्निवोरस हो गई। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए लेकिन कार्निवोरस नहीं, प्राइमरी कार्निवोर। भाई कार्निवोरस तो प्राइमरी लेकिन कंज्यूमर सेकेंडरी। स्नेक है, स्नेक भी क्या हुआ? कार्निवोरस हुआ ना क्योंकि उसने फ्रॉग को खाया, लेकिन ये प्राइमरी कार्निवोर। तो स्नेक कौन सा हुआ भाई? सेकेंडरी कार्निवोर है ना, लेकिन टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है। और ईगल है, ये हुआ टॉप कंज्यूमर। ये क्या हुआ भाई? टॉप कंज्यूमर लेकिन टर्शियरी कार्निवोर्स। समझ गए बातें? क्या बताया यहाँ पे भी मैं कार्निवोर्स की बात बता रही हूँ। कार्निवोर्स खा रहे हैं हर्बीवोर्स को। अब हो सकता है कि एक कार्निवोर तो डायरेक्ट हर्बीवोर्स को खाए और एक कार्निवोर्स को कोई दूसरा कार्निवोर्स खा ले जो उससे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर। अब यहाँ पे फ्रॉग भी कार्निवोरस है, स्नेक भी कार्निवोरस है, लेकिन फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा रहा है तो ये प्राइमरी कार्निवोरस हो गया, और स्नेक फ्रॉग को खा रहा है तो सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया, और स्नेक को ईगल खा रहा है तो ईगल टॉप कार्निवोरस हो गया इस फूड चेन में। समझ में कुछ बातें? तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे कि जो कार्निवोरस हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। कार्निवोरस फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर कब कहीं? देखो कार्निवोरस में भी कई सारे टाइप होंगे। देखो एक होंगे प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस एंड टॉप कार्निवोरस। टर्शियरी भी आ सकता है अगर फूड चेन और लंबी हो जाए तो टर्शियरी भी आ सकता है एंड टॉप कार्निवोरस। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोरस कौन से होते हैं? Which feed herbivores? जो herbivores को खाए वो primary carnivores। Secondary carnivores कौन होगा? Which feed primary carnivores? जो primary carnivores को खाए वो secondary carnivores। और top carnivores कौन सा होगा? Which feed secondary carnivores? जो secondary carnivores को खाए। ये तो है carnivores की टाइप। कंज्यूमर की सब टाइप। कंज्यूमर में था पहला कंज्यूमर हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर में ये तो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर और ये हो गया क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। आप ऐसे कह सकते हैं ना। बाकी कई बार घुमाने फिराने के लिए आपको फूड चेन देखे उसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसमें सेकेंडरी कार्निवोर कौन है, उसमें टॉप कार्निवोर कौन है, उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, उसमें टॉप कंज्यूमर कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो हम फूड चेन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। अभी सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि कार्निवोरस क्या होते हैं और कार्निवोरस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कार्निवोरस ने एग्जांपल बताए भाई, कार्निवोरस ने एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्रॉग, स्नेक, ईगल, वोल्स, लोएन, टाइगर, ये सारे कार्निवोरस हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रॉग, स्नेक, ईगल, वॉल्स, टाइगर, लोयन, दे ऑल आर कार्निवोर्स। इनमें से कोई प्राइमरी है तो कोई सेकेंडरी है, और कोई किसी फूड चेन में प्राइमरी कार्निवोर्स है तो किसी दूसरी फूड चेन में वो टर्शियरी कार्निवोर्स भी बन जाते हैं। ये बेटा फूड चेन के बाद ही आपको समझ में आएगा, अभी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आप नेक्स्ट कंज्यूमर सुने। अभी मैंने आपको दो कंज्यूमर बता दिए, हर्बीवोरस जो प्लांट को खाए और कार्निवोरस जो हर्बीवोरस को खाए। अब आते हैं ओमनीवोरस। तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है कार्निवोरस में? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं जो कार्निवोरस भी हो सकते हैं और हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। विच कैन फीड ऑन द प्लांट एंड विच कैन फीड ऑन द अदर एनिमल, द ऑर्गेनिज्म that can feed both plants as well as other living organism। जो दोनों को खा ले वो कौन होगा?
देखा हम सब, हम सब मतलब ह्यूमन बीइंग, ये सारे हम सब के साथ साथ में दो और कैट, ये सब क्या है? जैसे कैट तो जनरली कार्निवोरस में ही ज्यादा आता है, इसको हम इसी में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो आप ओमनिवोरस में क्रो बता सकते हैं, ह्यूमन है, डॉग है, क्रो है, एंट है, वो सब आ गए ओमनिवोरस। एंड फोर्थ कैटेगरी कौन आती है कंज्यूमर में? पैरासाइट। फोर्थ आएंगे पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दे आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन, विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर यहाँ पे हम लिविंग वर्ड यूज कर रहे हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिपेंड तो कार्निवोरस भी दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन वो डेड करके उनके मीट पे, उनके फ्लैश पे, और ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, वहां से अपना फूड लेते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। जैसे कि आपने काऊ और बफेलो में टिक्स एंड माइट्स देखे, वहां से उनका ब्लड सक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिक्स एंड माइट्स, हम एक कॉमन एग्जाम्पल मॉस्किटो भी ले सकते हैं भाई, टेम्परेरी एक टाइप का पैरासाइट ही होता है। मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करने के लिए आता है और चला जाता है, ठीक है ना, वो हमारे हम ऐसा करते हैं कि हमें मार के फिर खाता है ब्लड को, फिर सब करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही ले लेता है। ऐसे ह्यूमन के हेड में लाइस रहती है, जूए जिन्हें कहते हैं हेड लाइस, वो भी एक टाइप का पैरासाइट है। एक लीच आती है, लीच, लीच भी ब्लड सक करती है, वो भी एक टाइप का पैरासाइट है। तो ये सब किसमें आते हैं? पैरासाइट के अंदर। तो ये हमारे दो कैटेगरी मैंने आपको बता दी, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर हो गए और कंज्यूमर्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे डीकंपोजर्स। हाँ बेटा, डीकंपोजर्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटे।